सबसे पहले इन्हें एक्सेस दे देते हैं हम गूगल एड्स का। तो यहाँ से जाते हैं गूगल एड्स में, हैं ये क्या होगा आपके लैपटॉप पे, कैसे दूँ आपके लैपटॉप पे, खुलेगा ना? जी जी खोल लीजिएगा, जब मैं एक्सेस दूंगा फिर बाद में आप खोल भी दीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट। ठीक है, कौन से ऐप खोले मैंने? नहीं ये तो उसका खुल गया है, स्टार्स अकेडमी का खुल गया, ये गलत है, इसे बंद करें। आप लोगों ने देना एक्सेस, मैं से उधर तक लेके जाऊंगा, ठीक है? गूगल ऐड का एक्सेस देना है हमने किसी को, तो किसी और का अकाउंट है और किसी और अकाउंट में हमने उसको एक्सेस देना है। मैंने शायद इस पर बनाया था, किसी एक पे मैंने किया था, अब याद आ जाता है किस पर। अच्छा इस पर मैंने वो किया हुआ शायद इंस्टॉल में, इसे बंद कर दें। सिंपल है, स्टार्ट। ये ठीक है, हाँ जी आप बताएं कैसे देना है एक्सेस। ये टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएं, आगे एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाएं, यहां से ऐड पे जाएं। अब हैं तो हम गूगल ऐड में ही ना, ठीक है ना? तो चले मैं इसको बना देता हूँ ऐड में लिंक, ठीक है, ताकि आपको सारे लाइक्स मिल जाए, ठीक है? अब आपने मुझे अपना ईमेल भेजा था शायद यहाँ पे, वैसे ही बता दें SAIMA, आगे ऐसे ही है, पूरा हो गया? नहीं, जीरो सेंड इनविटेशन, आपका ये ऊपर आ रहा है बस। अभी मैं आपको खोल के भी दिखा दूँगा आपके अकाउंट से, ठीक है? आपके लैपटॉप से इसे हमने कैसे खोलना है वो भी देख लेंगे, ये बात होगी ख़त्म। इस तरह हमने परमिशन देनी होती है, मैंने एडमिन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरे राइट्स होंगे, इस ऐड अकाउंट में आप खुद बनाएं जो कुछ करना है, ठीक है? आपके अकाउंट से भी वैसे देख लेंगे क्यों नहीं बन रहा, उसको ज़्यादा से साथ देख लेंगे। अच्छा जी इसको करते हैं बंद और आ जाते हैं वापस लेक्चर पे। यहाँ पे मैंने आपको एक फाइल भेजी थी, अच्छी है।
स्कीमा मार्कअप, ठीक है, ये मेरा टॉपिक है। स्कीमा मार्कअप क्या होता है, ये भी एसईओ का बहुत बड़ा फैक्टर है, स्कीमा लगाना। स्कीमा का मतलब क्या है कि स्कीमा मार्कअप फाउंड एट स्कीमा डॉट वर्ड, यानी कि ये वेबसाइट है जहाँ से हम स्कीमा मार्कअप को लगाते भी हैं और चेक भी करते हैं। फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा, माइक्रो डाटा क्या होता है, मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया हुआ कि जो शॉर्ट कोड्स हम लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, कार्ड जैसे मेटाज लगाते हो ना, मेटा टैग्स, ये सब के सब माइक्रो डाटा में आते हैं, ठीक है। वंस एडेड टू अ वेब पेज, स्कीमा मार्कअप क्रिएट एन इनहेंस डिस्क्रिप्शन, आपकी एक इनहेंस डिस्क्रिप्शन बन जाती है, मैं भी उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है, कॉमनली नोन एज रिच स्निपेट। बेसिकली स्कीमा से हम करते क्या हैं, हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चरल डाटा डिफाइन करते हैं, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, इसकी ज़रूरत ये पड़ रही है कि हम चाहते हैं कि सर्च इंजन को बता दें कि हमारी जो वेबसाइट है वो किसके मुताबिक है, आसानी होगी ना उसको। मिसाल के तौर पर सर्च इंजन को खुद से आकर एक अलग से अपना कोई एल्गोरिदम चलाना पड़ेगा, भाई ये वेबसाइट क्रॉल किया मैंने, अब इसको मैं पढ़ूँ ये है क्या, पूरा पड़ेगा तभी पता लगेगा। तो आप समझ लो कि हम एक ऑब्जेक्ट बना दें, एक स्ट्रक्चर बनाकर बता देते हैं उसको कि ये वाली जो हमारी वेबसाइट है इस चीज़ से मुतलिक है। अब उसका ये फ़ायदा होता है कि गूगल को उसे रैंक करने में आसानी होती है। और ये जो स्कीमा है, ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये स्कीमा को स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है सब सर्च इंजन ने मिलकर, सब सर्च इंजन ने, यानी कि सब सर्च इंजन का इशू यही था कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो वेबसाइट है जो हम रैंक करने जा रहे हैं किसके मुतलिक है। तो उन्होंने कहा कि हम यूँ करते हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं, उस फॉर्मेट में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये वेबसाइट किस टॉपिक के मुतलिक है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम स्कीमा लगाते हैं, और जब वेबसाइट पर स्कीमा लगा होता है तो फिर हमें बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर देख रहे हैं ये कुछ साइट्स खुल रही हैं, कुछ साइट्स खुल रही हैं, नीचे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जब हम कोई वेबसाइट का नाम लिखें तो ऊपर वेबसाइट आती है, नीचे फेसबुक पेजेस आ जाते हैं। और अगर किसी ने अपना स्कीमा सेट किया होगा तो उसके फेसबुक पेजेस आ जाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स उसके आएंगे जिसने स्कीमा लगाया होगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कीमा में हम ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। इसी तरह जैसे हम कोई बंदा ये लिखे कि स्टार्स अकेडमी फ़ी स्ट्रक्चर, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक टर्म लिखूँ, यहाँ लिखते हैं स्टार्स अकेडमी फी स्ट्रक्चर, आ गया, ये भी स्कीमा, ये स्कीमा ने इस डाटा को उठाया, स्कीमा की वजह से ये डाटा उठाया। तो ये ऊपर उसने टेक्स्ट निकाल के दे दिया बीच में से, और नीचे उसने वेबसाइट दे दी जहाँ से उसने टेस्ट लिया, टेक्स्ट लिया हुआ, ठीक है, स्टार एंट्री टेस्ट से उसने ये सारा डाटा पिक किया। तो ये भी एक स्कीमा की एग्जाम्पल है। व्हाई स्कीमा इम्पोर्टेंट इन एसईओ, मतलब एसईओ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। स्कीमा मार्कअप इज अ कोड आल्सो कॉल्ड सेमेंटिक वोकैबुलरी आर माइक्रो डाटा। सेमेंटिक वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है कि हम कुछ एक चीज़ लिख लेते हैं और वो उस मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिख लेता हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। अब इसको मैं सेमेंटिकली देखूँ तो अगर मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन एक्सेल कोर्स, तो ये भी इसको समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ ऑनलाइन फोटोशॉप ट्रेनिंग, तो ये भी इसको समझ आती है। हालांकि मैंने टर्म क्या लिखी थी, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज। तो सेमेंटिक होने की वजह से क्या होता है कि जैसे जो मीनिंग होती है आपके अल्फाज की, उसके साथ वो उन चीज़ों को ढूंढ लेता है, ठीक है। सो बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम अपने वेबसाइट की एक वोकैबुलरी बनाकर अपनी वेबसाइट पर ऐड कर देते हैं, ताकि जब भी कोई सर्च इंजन आएगा वो उस इंफॉर्मेशन को देखेगा और उधर से एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतल्लिक है। डेट यू कैन ऐड टू द HTML फॉर योर वेबसाइट, यानी ये हम कहाँ पर ऐड करते हैं, ये दोनों जगहों पर ऐड हो जाता है, मतलब ये वर्डप्रेस की साइट पे भी स्कीमा आ रहा होता है और HTML में भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस में तो बड़ा सिंपल सा होता है कि हम सर बता रहे होते हैं कि भाई ये अब ये स्कीमा है, ये इसकी टाइप है, सारी इस तरह हम इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका कोड जनरेट होता है और इस कोड को हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर कोड का इशू नहीं है, वहाँ पर हमने SEO का प्लगइन यूज़ किया हुआ है तो स्कीमा का ऑप्शन आ जाएगा और हम उसको सिर्फ इनेबल कर देंगे बस।
The micro data helps search engines better understand your content so that they can return more detailed informative results. ऐसे ही है ना, अभी मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखाई है कि डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन आ गई है. Does schema help SEO? ये भी हमने इसका एक डेमो भी देखा है कि हेल्प करता है SEO में, बिल्कुल करता है. देखे ना, हमारी वेबसाइट में से इसने डाटा एक्सट्रैक्ट किया और जिस साइट से डाटा एक्सट्रैक्ट किया उसके नीचे वही साइट आ रही थी, यानी कोई भी बंदा उसकी डिटेल में जाना चाहेगा तो उसी पे क्लिक करेगा. यस, स्कीमा कैन हेल्प SEO डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिजल्ट्स. दीज फीचर्स माइट गिव यूजर्स मोर इन्फॉर्मेशन और मेक योर पर्टिकुलर रिजल्ट स्टैंड आउट इन द सेम वे. वट इज़ द यूज ऑफ स्कीमा मार्कअप इन SEO? ठीक है, ये बेसिकली वही बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है. स्कीमा मार्कअप इन्फॉर्म्स द सर्च इंजन्स प्रिसाइजली वट योर कॉन्टेंट इज ट्राइंग टू कन्वे ऑन योर वेब पेज. ये बताया ना मैंने कि हमारी वेब पेज के ऊपर किस तरह का कॉन्टेंट पड़ा हुआ है, ये स्कीमा बता रहा होगा. इट कन्वर्ट्स अनस्ट्रक्चरल डाटा इन टू स्ट्रक्चरल डाटा. ठीक है, यानी कि ये बेसिकली करता क्या है कि आपका जो डाटा है वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन आपने जब उसका स्कीमा बनाया, उसकी वोकैबुलरी बनाई, तो उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया. बिल्कुल जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको HTML पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये HTML की फाइल है, ये इसका स्ट्रक्चर है. मैं कह रहा हूँ ये मेरी वेबसाइट है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसमें ये चीज़ है. मिसाल के तौर पर मैं मुख्तसर सी बात करूँ कि मैं वेबसाइट के मुतल्लिक क्या बताऊँगा, मैं वेबसाइट के मुतल्लिक बताऊँगा कि भैया मेरी वेबसाइट क्या है, क्या बेसिकली क्या ये आर्टिकल है, कॉन्टेंट किस तरह का इसका, उसकी टाइप बता दूँगा, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन बताऊँगा कि ये किस चीज़ के मुतल्लिक है, किस कंपनी के मुतल्लिक है, लोकल बिजनेस कौन से वाला है, फिर मैं उसके सोशल मीडिया बता दूंगा. यानी ये सब चीज़ें मैं खुद से बता रहा हूँगा और उसका एक कोड जनरेट होगा, और उस कोड को जैसे गूगल एनालिटिक्स का कोड, उसका सर्च कंसोल का कोड था, सेम इसी तरह का एक कोड जनरेट होगा, उसको मैं पेस्ट कर दूंगा. तो इसका मतलब है कि हमने स्कीमा अप्लाई कर दिया. ठीक है जी, वेबसाइट्स, हाउ डज स्कीमा अफेक्ट SEO? वेबसाइट दैट यूज स्कीमा मार्कअप विल रैंक बेटर इन SERPs. ये SERPs किसे बोलते हैं? ये अक्सर जगह पे लिखा हुआ है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो सर्च से लिखा होता है. पता है आपको सर्च से मुराद क्या होती है? सर्च से मुराद है सर्च इंजन रिजल्ट पेज. यानी मैं गूगल खोलता हूँ, वहाँ पर जाके लिखता हूँ ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, दैट इज सर्च. उस हिस्से को हम बोलते हैं कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज. जैसे भी मैं गूगल खोलूँ और वहाँ लिखूँ ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, ऊपर एक ऐड नज़र आएगा, नीचे प्रोफाइल नज़र आएगी, उसके नीचे ऑर्गेनिक वेबसाइट्स नज़र आएगी. That is called SERP, search engine result page. यानी कि सर्च इंजन पर जाकर आपने टाइप किया, जो भी आपके सामने आ गया वो SERP है, ठीक है, रिजल्ट पेज है उसका वाला. One study determined that a website with markup ranked the average of 4 positions. कहता है कि अगर तो आप स्कीमा लगा देते हैं तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट 4 positions में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. अब स्कीमा वैलिडेटर, ये है जी स्कीमा वैलिडेटर. इसका क्या मतलब है? नाम से अंदाजा हो रहा है कि वैलिडेट करेगा स्कीमा है कि नहीं है, ठीक है. इस पर क्लिक करें, तो जो मैंने इस पर क्लिक किया, अलाउ किया, स्टार्स entrytest.edu.in के वेबसाइट लिखी है मैंने, इसको रन करें. आ गई है. एक मिनट बैक करें जरा. न्यू टेस्ट पर जाए जरा. इसका लगता है हटा हुआ है. अच्छा, https://. प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dec kitchen.org.
आ गया, यानी इसका स्कीमा लगा हुआ, ठीक है। और ये वेबसाइट रैंक भी होती है नंबर वन पर, और ये वेबसाइट आपने देखा मैंने बनाई भी सब डोमेन में ही है, और सब डोमेन भी एक एसईओ का फैक्टर है कि जिससे रैंकिंग के चांसेस कम होते हैं। वो कहता है भाई मेन डोमेन में अपनी वेबसाइट रखें तो रैंकिंग के चांसेस जाना। बहरहाल इधर आ गए हम, ये स्कीमा हमने दिखा, मैंने बता दिया आपको ये स्कीमा इसका लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो वैलिडेटर हो गया, न्यू टेस्ट करें। ये मैंने एक और वेबसाइट का नाम लिखा, कहते जी इस वेबसाइट में एरर है और इसमें भी स्कीमा नहीं है। न्यू टेस्ट, आपकी वेबसाइट क्या है जी, उसको भी देखते हैं। मतलब किसी भी वेबसाइट को आपने देखना हो इस तरह लिख देंगे, बिजनेस बी यू एस आई एन ई डबल एस, आगे बी एस बी यू एस आई, आगे क्या लिखना है, बी ई एस, अच्छा अच्छा बिजनेस बेस, बी ए एस ई होता है बेस, तो लाइक दिस, अच्छा बेस, ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सब आपको दिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ वेबसाइट पे, इसी तरह मैं कहता हूँ भाई जियो पे चले जाते हैं। नहीं ये चल नहीं रहा, इसको रीलोड करें, दोबारा से रीलोड करें, ना इसको कुछ हुआ है। जियो पे लगाते हैं ना, आ गया समझ आ गई बात की, यानी कि ये लगा हुआ है। इसी तरह आप भी आज मुझसे पढ़ेंगे तो जाके वर्डप्रेस पे अप्लाई कर लेंगे, इसको कोई इशू नहीं है इसमें। अब ये तो हो गया डिटेक्ट करने का सिर्फ, ये तो सिर्फ वैलिडेट किया हमने, यानी कि मतलब मैं एसईओ ऑप्टिमाइजर हूं ना, तो मेरे पास अगर कोई बंदे आगे वेबसाइट आएगी, जबकि वो इतनी मोटी बात मुझे कह रहा है कि भाई अगर आप स्कीमा लगाएंगे तो फर्स्ट फोर पोजीशन में आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें अप्लाई करना चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हमने सिर्फ ये देखा कि लगाना कैसे है, चेक कैसे करना है, अभी हमने सिर्फ टेस्ट किया है कि लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, और ये दिखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये टोटल टास्क वेब डेवलपर का है, ऐसी है। तो हम ये काम डेवलपर को भी दे सकते हैं कि भाई आपने मेरी वेबसाइट बनाई है, इसमें स्कीमा नहीं लगाया, तो इस पर स्कीमा लगा दो, वो भी लगा के दे सकते हैं। हाँ, इसकी भी कोडिंग, लेकिन ऑटो कोडिंग है, ठीक है। मैं आपको उस साइड पे लेकर जाऊंगा जो स्कीमा खुद जनरेट कर देगा, ठीक है, जिससे स्कीमा खुद ही बन जाएगा जी। हाउ टू क्रिएट स्कीमा, ये वेबसाइट आ गई, ये वेबसाइट मैंने आपको ये लिंक भेजा हुआ, इसीलिए सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्कीमा बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, तो मैंने आपको क्या बताया कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पर आपने कोई भी एसईओ अप्लाई करनी है, किसी तरह की भी एसईओ अप्लाई करनी है, तो हमें एसईओ का प्लगइन चाहिए, ठीक है। एसईओ के बहुत सारे प्लगइन हैं, लेकिन उसमें एक लिस्ट, एक मैथरैंक, ठीक है, एसईओ के नाम से और बहुत सारे हैं। तो मैथरैंक काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और लिस्ट बहुत यूज होता है, तो आपको अब देखना है कि आपको कौन सा प्लगइन यूज़ करना है। और ये वाले प्लगइन्स पार्टली फ्री होते हैं। अब अक्सर हम ये देखते हैं कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है ना, उसकी स्पीड स्लो होती है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि उस वेबसाइट में जो प्लगइन्स हैं वो सारे फ्री वाले यूज़ हुए हैं। फ्री प्लगइन्स भी आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करते हैं। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप वेबसाइट बनवाएं तो उनसे कहें, क्योंकि आप फिर उसकी मैक्सिमम फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपके पास प्लगइन फ्री हो तो। आप समझ लो कि 40-50% फीचर यूज़ हो रहे थे या 60% यूज़ हो रहे थे, सारे यूज़ नहीं होते, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम, और अगर हमारी वेबसाइट स्लो हो और इवन हमारा होस्टिंग भी बहुत अच्छी हो, फिर भी वेबसाइट स्लो हो, अक्सर ऐसे होता है। उसकी वजह ये है, जो ऐसी वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस में जिन्होंने सारे प्लगइन्स परचेज किए हुए हैं, उनकी वेबसाइट कभी भी स्लो नहीं होगी। हाँ, होगी तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी एसईओ स्किल्स के साथ।
लेकिन इस वेबसाइट को अगर ये स्लो है तो उसको हम SEO स्किल से भी रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए कि ये वेबसाइट लोड होने में टाइम बेसिकली वो प्लगइन लगा रहा है, तो वो प्लगइन तो मौजूद है बीच में, जब तक वो प्लगइन है वो लोड होने में टाइम लेगी। ठीक है, तो ये तो आप एक मैंने वैसी बात बीच में बता दिया है जिस को करें बंद। आगे हम जहाँ से हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से कोड जनरेट होना है। अब मैं चाहूँ तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप वर्डप्रेस में भी कोड के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं जैसे भी यहाँ पे कोड जनरेट कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं यही मैं प्लगइन के थ्रू नहीं करना, मैंने कोड से ही करना है। तो आप क्या करते हैं, अपने थीम में जाते हैं और थीम एडिटर में जाते हैं। थीम एडिटर के अंदर जो आपकी वेबसाइट का हेड होता है वो बेसिकली इंडेक्स, आप जिसको इंडेक्स कहते हैं, आप समझ लो कि इंडेक्स की फाइल का हेड होता है, तो आप उसके हेड में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह जो आपका सर्च कंसोल है उसका भी आपने कोड लिया, आप इसको पेस्ट किया, यानी कि कोई भी कोड पेस्ट करने को कहे तो फिर हम क्या करते हैं थीम एडिटर में चले जाते हैं और थीम एडिटर में चले जाते हैं और थीम एडिटर से हेड में जाकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो जी आ जाए जरा। अब आप ये देखें ये स्कीमा बन रहा है, राइट साइड पर देखें वही चीज़ें आ गई हैं सारी। अब ये कोड ऑटो जनरेट हो जाए जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है आर्टिकल टाइप, अच्छा सॉरी नीचे आ गया मैं ऊपर, कितनी सारी टाइप्स आ गई हैं। अब वो यहाँ से कह रहा है कि आप सिलेक्ट कर लें अपनी वेबसाइट को, कहते हैं आप यहाँ पे मुझे बताएं कि आपकी वेबसाइट किसके मुतल्लिक है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या बताना है कि मेरी वेबसाइट क्या है, आर्टिकल है, कोई इवेंट से रेलिवेंट है, या मैंने एक वेबसाइट बनाई है जो एफएक्यू पेज बना हुआ है सिर्फ, अच्छा हाउ टू की वेबसाइट है, जॉब पोस्टिंग है, लोकल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ जनाब स्टार्स अकेडमी है तो मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में ले आऊँगा। ठीक है, लोकल बिजनेस है, मैं कहूँ दस्तगीर इंजीनियरिंग जो है उसको मैं लोकल बिजनेस की कैटेगरी में ले आऊँगा। ठीक है, आपने देखा था ना अभी मैंने आपको प्रोफेशनल किचन का दिखाया था, वो हमने लोकल बिजनेस से बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पर्सन है कोई सेलिब्रिटी है उसकी वेबसाइट है, या आप डिजिटल मार्केटर हो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो आप पर्सन हो, आप पर्सन की कैटेगरी में आओगे। प्रोडक्ट, ये क्या चीज़ है, ऑफर, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट रेटिंग रिव्यूज, ठीक है इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी सेलिंग वेबसाइट है, सेलिंग वेबसाइट भी इसमें आ सकती है, रिव्यूज भी आ रहे होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू आप सेलिंग भी करने लगे होंगे, जैसे आप दराज पे करते हो, जैसे आप दराज पे करते हो, यानी कि किसी भी ने ऑनलाइन कोई चीज़ बेचनी है, उसने अपनी एक वेबसाइट बनवाई है, तो कोई भी बंदा उस वेबसाइट पे आएगा, क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, बाय का बटन दबाएगा, आपकी वेबसाइट या आपको ऑर्डर ईमेल में आ जाएगा, आप अपना ऑर्डर प्रोसेस करवाओगे COD के थ्रू, जैसे भी करवाना है आपने। ठीक है ना, रिव्यूज़ वाली भी इसमें आ सकती है, मैं कह रिव्यूज़ वाली भी आ सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, रेसिपीज़ से मुतल्लिक है, कोई वीडियो वेबसाइट है, जैसे हम ये कहते हैं, जैसे आप देखते हो गूगल करते हो आप कुछ तो वीडियोस आती है ऊपर, यूट्यूब की वीडियोस आती है ना ऊपर, इसलिए कि उन्होंने स्कीमा लगाया हुआ है वीडियो वाला, मतलब यूट्यूब के ऊपर वीडियो का स्कीमा लगा हुआ। तो अगर आपकी वेबसाइट वीडियो है, आपकी वेबसाइट वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपने एक वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर यूट्यूब के लिंक्स लगा दिए तो आपकी वेबसाइट वीडियो होगी, नो, आपकी वेबसाइट वीडियो का मतलब है कि आपने स्पेस परचेज किया है, आपकी आपने स्ट्रीमिंग परचेज की हुई है खुद से, आपने स्ट्रीम करवाना है। ठीक है, तो आप उसको अपनी वीडियो वेबसाइट कहोगे, तो वीडियो वेबसाइट है। अच्छा जी, और उसके बाद आखिर में क्या आ गया जी, वेबसाइट साइट लिंक सर्च बॉक्स, लिंक्स हैं इसके ऊपर पड़े हुए हैं, सर्च करने लगे हुए हैं आपको। अब हमने यहाँ से देखना है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि हम जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं वो किस कैटेगरी की वेबसाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अभी मुझे स्टार्स एंट्री टेस्ट का नज़र नहीं था आ रहा, शायद उन्होंने हमने लगाया था एक दफ़ा लेकिन रिमूव हुआ हुआ था बीच में से, हाँ तो मैं उसका बनाना चाह रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं, हाँ पोस्टिंग के लिए हम आर्टिकल चूज करेंगे, और एक और बार याद रखेंगे पोस्टिंग तो बहुत सारी होंगी, आप एक से ज़्यादा स्कीमाज भी बना सकते हैं, यानी कि ये नहीं जरूरी कि एक ही स्कीमा बनाए। जैसे मैंने कैनोनिकल बताया था तो मैंने कहा था कि भाई एक है ना, ऐसे ही कहा था ना कि आपकी मेन पेज एक ही होगा, लेकिन अब मैं जब स्कीमा की बात कर रहा हूँ
मैं कह रहा हूँ कि आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हो, कभी आप रेसिपी का लिख रहे हो, कभी आप बिरयानी की रेसिपी का लिख रहे हो, कभी आप पिज़्ज़ा की रेसिपी का लिख रहे हो, तो डिफरेंट होगी ना एक दूसरे से। जैसे आपका न्यूज़ है उसमें आपकी कुछ कॉमन नहीं है, ब्लॉगिंग, हाँ कोई भी पोस्ट कर लें, तो आप आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं तो आप किसी भी तरह का करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर आए, यहाँ आकर मैंने लिख दिया बिजनेस का नाम, स्टार्स एकेडमी लाहौर। आगे क्या लिखा हुआ रहा है, अल्टरनेटिव नेम, चलो जी इसको हम लिख लेते हैं स्टार्स एकेडमी सिर्फ। चलो आगे क्या आ गया, यूआरएल, लोगो यूआरएल। लोगो यूआरएल का क्या मतलब है कि आपका जो लोगो पड़ा हुआ है वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, इसकी क्या, इसकी समझ आ रही है मुझे क्या बात है, यानी मेरी होस्टिंग हुई है एक जगह पर। ठीक है, आपने देखा था जब हम वेबसाइट अपलोड की बात कर रहे थे तो हम क्या कहते थे, इमेजेस का फोल्डर है जहाँ पर मेरा लोगो पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, जहाँ फोल्डर है जिस जगह पर भी आपका है वहाँ पर हम लिख देंगे लोगो, बिल्कुल लाजमी लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो कैसे जाएगा लोगो यूआरएल पे। मैं कह लोगो यूआरएल पे जा ही नहीं सकता वो। ठीक हो गया, उसके बाद क्या आ गया, आ गया देखिए राइट साइड पे स्क्रिप्ट लिखी जा रहा है, उसके फोल्डर नहीं होते हैं उसमें भी होते हैं। उस यही कह रहा हूँ ना कि ये बना रहे हैं ना, जिस जगह पर आपकी ये चीज़ें पड़ी क्यों नहीं होते उसके फोल्डर, उसके सी पैनल में जाना वहाँ भी होंगे। मैं कहूँ उसके सी पैनल में जाएंगे वहाँ भी होंगे, लेकिन क्योंकि आप सी पैनल में नहीं जाते तो उसका तरीका यह है कि हम उसके थ्रू डायरेक्ट बना लें कन्फ्यूजन से बचने के लिए। मैं कहूँ उसके एस सी ओ के प्लग इन से बना लेना, वहाँ पर तो आप सिर्फ सेलेक्ट करते जाएंगे ना, उसमें सिर्फ चीज़ें सिलेक्ट होंगी। आगे क्या है जी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इधर आ जाए मैं यहाँ से खोल देता हूँ स्टार्स एकेडमी के पेजेस मुख्तलिफ, इसका बल्कि इतने खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, इधर ही आ जाते हैं वापस, इसी से खोल लेते हैं, स्टार्स एंटिटस पे जाएं, यहाँ से इनके सोशल मीडिया देख लेते हैं। ठीक है, नीचे आओ, ये है जी फेसबुक, इस पर क्लिक करो, ये आ गया, आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ कंट्रोल सी, एक हो गया, फिर इस पर आए, इस पर आए, इस पर आए, अच्छा दूसरा क्या था जी, नीचे आओ, ट्विटर का एक बना लेते हैं, यानी इस तरह आपने सारे जितने भी आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं कोशिश करनी है मैक्सिमम यहाँ पे लिखे हैं। देखें जरा नीचे क्या आ रहा है, आ रहे है? इस तरह और भी आ सकते हैं। आगे क्या आ गया जी, ऐड कॉन्टैक्ट जी, कॉन्टैक्ट टाइप, यहाँ से आप बता देंगे किस, यानी जो बंदा कांटेक्ट कर रहा है जिससे इसने कांटेक्ट करना है, क्योंकि लोकल बिजनेस है ना, तो लोकल बिजनेस में तो लोगों ने रابطہ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि भाई किससे रابطہ हो रहा है, हम कहते हैं सेल्स के बंदे से रابطہ हो रहा है जी। ठीक है, बेसिकली ये वेबसाइट पर डिपेंड हो रहा होगा ना कि वो किस तरह की वेबसाइट है, तो उसी तरह का बंदा हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है जी, टोल फ्री नंबर है, नहीं यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर 92, अब इनकी बात कह रहे हैं तो नंबर भी इन्हीं का ही ले लेते हैं, कहाँ है जी नंबर, नहीं ओहो इन्होंने बोली रखा हो, क्या नंबर है जी, 0333-14900 है ना, 0333-14900 14900 हो गया,
चलिए यहाँ पर हमने कर दिया इन्फो, हमने इसको लगाना तो है नहीं है, वैसे मैं लिख रहा हूँ इन्फो एट द रेट ऑफ स्टार्स एंट्री टेस्ट। यहाँ पर कोशिश करें कि ये वाले नंबर यूज़ करें, हाँ ये वाले ईमेल एड्रेसेस यूज़ करें, सर्वर वाले जीमेल को ना यूज़ करें, ठीक है। इससे इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ता है कि आपके पास एक वेबसाइट होस्टेड है। ये भी हम कर सकते हैं कि इस ईमेल को रीडायरेक्ट कर दें जीमेल के ऊपर, अगर आपको तंगी होती है कि यहाँ से मेल चेक कैसे करनी है, बड़ी उलझन हो रही है, सेटिंग नहीं की हुई, तो आप इस ईमेल को रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई इधर जितनी भी ईमेल्स आएँ सारी मुझे जीमेल पर आएँ, स्टार्स एंट्री टेस्ट डॉट edu डॉट। लैंग्वेज बता दो, एरिया पूछ रहा है कि आपका एरिया कौन सा है, तो यहाँ से एरिया चूज कर लेंगे। फिलहाल मैं कर देता हूँ पाकिस्तान, LMNOP गुजर गया, पी गुजर गया, ये मैंने पाकिस्तान भी चूज कर दिया, उधर से स्क्रिप्ट भी लिखा जा रहा है। अब आप देख रहे हैं मैं एक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्राउलर्स को, कि ताकि वो मेरी वेबसाइट के हेड में जैसे ही आएंगे, हेड में आते ही उनको पता, क्राउल करेगी वेबसाइट, उसको फौरन पता लग जाएगा कि वेबसाइट किस चीज़ के मुतल्लिक है। अच्छा, जिसके बाद कहते हैं इंग्लिश, तो उर्दू भी देखना चाह रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो उर्दू की ऑप्शन दी है उसने कि नहीं दी हुई, यू में आ गया हूँ। चलो जी, मैंने कहा ये दो लैंग्वेजेज हैं हमारे, हो गया। अभी हमने एक ही ऐड किया, अगर अब आप ये अभी मैंने क्या ऐड किया था, सेल्स का बंदा, सेल्स के लिए और भी कोई दूसरा रास्ता ऐड करना है तो यहाँ से फिर दोबारा से ऐड कर दूँगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने कोई इशू नहीं है, करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, कॉपी करना है सिर्फ। मेरा ख्याल है कॉपी हो चुका होगा, उसने कोई मैसेज नहीं दिया हमें, कॉपी कर लेते एहतियातन, मैंने यूँ किया ये कॉपी, मुझे लगता है पहले भी हो गया था। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, टेस्ट। चलो जिस पर क्लिक करें, बस उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। ये उसने कोड को टेस्ट करके मुझे दिखाया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपनी वेबसाइट की जो इंडेक्स फाइल है उसके होम पेज पर जाना है। मिसाल के तौर पर सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये बनाया था इसके लिए, हालांकि मैंने उसके लिए नहीं बनाया, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर स्टार्स एंट्री भी होगी मेरा ख्याल है, होगी यहाँ पर हारून का फोल्डर पड़ा होगा, इसमें सारे मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टार्स एकेडमी, ये ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये इंडेक्स की फाइल आ गई है, बल्कि इसको भी चेक करते हैं, देखते हैं इसको लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, नहीं तो इसको लगा देंगे। पहले तो चेक करें यहाँ पे लगा हुआ है, आपको लगा होगा तो नज़र आ जाएगा, वैसे शॉर्टकट्स लग नहीं रहा मुझे लगा हुआ है। हाँ, तो फिलहाल हमने जो बनाया है यहाँ से ऐड शुरू हुआ और इसके ऊपर ही लगा देता हूँ, आ गया। इस तरह हमने इसको ऐड कर देना, ये लगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सेव कर देना, लेकिन एक काम करते हैं, जरा हम चेक कर लेते हैं क्या मैंने उसको लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, तो फिर इसका प्रॉपर्ली बना लेंगे, अगर नहीं लगा होगा तो। कहाँ से शुरू हुआ था जी, वैलिडेटर पे जाना था हमने, वैलिडेटर वाला तो ख़त्म हो गया हुआ, तो एक काम करेंगे यहीं से आ जाते हैं वैलिडेटर पे। https://www.starsacademy.lahore. यहाँ पर हमने एक वेबसाइट रखी हुई है, देखें इसको लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये भी सब डोमेन में बनी हुई है, लगा हुआ नहीं लगा हुआ, यानी इसको लगना चाहिए,
अभी तो ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये तो अभी मैं पेस्ट करूँगा, तो ऑफलाइन कर रहा हूँ ना मैं काम, या तो मैं एक काम करूँगा इस वेबसाइट को खोलूँ ऑनलाइन और ऑनलाइन इस पर लगा दूँ वैलिडेटर, चले वो लगा देते हैं ऑनलाइन। फिर खाली इन्फॉर्मेशन तो मैंने लिख दी थी सारी, नहीं थी लिखी वैसे है ना, सारे सोशल मीडिया नहीं दिए थे ना, हाँ फिर नहीं लगाते। बस इसी तरह आपने इंडेक्स की फाइल को लाइव खोलने और वहाँ जाकर ऐड में पेस्ट कर देना, तो आप समझेंगे लाइव बन गया हमारा, ठीक हो गया। तो ये हमने स्कीमा को समझ लिया, इस स्कीमा को कैसे काम करना है, ठीक है। अच्छा,